इस वीडियो में जानेंगे इन्फिनिक्स हॉट 55G के अगर आपको रिंगटोन सेटिंग करना है तो किस तरह से कर सकते हो। आपने कोई भी रिंगटोन डाउनलोड की है उसको लगाना चाहते हो या फिर आपको चेंज करनी है फोन की रिंगटोन तो कैसे कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा, साउंड एंड वाइब्रेशन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वगैरह जितने भी वॉल्यूम रहते हैं किसको कितना परसेंटेज पर आप रखना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर 100% सेट करना है तो वो भी कर पाओगे, जो भी आपको अपने हिसाब से अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद सिम वन की रिंगटोन को चेंज करने के लिए अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो, जिसमें फोन की सभी रिंगटोन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। कोई भी आपने डाउनलोड की है उसको सेट करना चाहती हो तो यहाँ से कुछ इस तरह से इसको स्क्रॉल कर लीजिए, ऐड रिंगटोन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर टैप कीजिए। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी आपको देखने को मिलेंगे 3 लाइन, इनके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके फोन का डिवाइस है उसको सेलेक्ट कीजिए। अगर फोन में रिंगटोन है, अगर तो अपने फाइल में अपने मेमोरी वगैरह डाल रखा है मतलब फोन के अंदर, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब आप उस फोल्डर को ओपन कीजिए जिसमें आपकी रिंगटोन है जो भी आपने डाउनलोड की है। एग्जाम्पल जैसे कि आपने डाउनलोड किया तो सिंपल डाउनलोड फोल्डर में ही आएगी वो, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपकी रिंगटोन है उसके ऊपर टैप कर दीजिए और यहाँ से वापस चले जाइए। अब आप देखोगे आपकी जो प्ले लिस्ट है यहाँ पे मतलब ऑडियो जो लिस्ट है यहाँ पे वो आपकी रिंगटोन मिल जाएगी, उसके ऊपर टैप कर दीजिए और वापस चले जाइए तो आपकी वो फाइल से भी सेलेक्ट हो जाती है। इस तरह से सिम वन की एंड टू की कर सकते हो। नोटिफिकेशन साउंड को आप चाहे तो फाइल से भी लगा सकते हो जो कि अभी मैंने आपको बताया था। इसके साथ ही कुछ और भी फीचर यहाँ पे मिल जाएंगे रिंगटोन से रिलेटेड, जैसे कि आपके फोन पर कोई भी कॉल वगैरह आता है ना तो जब आपकी रिंगटोन रिंग होगी तो पहले वो हल्की बोलेगी उसके बाद लाउड होती जाएगी, तो आप इस फीचर को ऑन करा के इसका यूज भी कर सकते हैं। हैप्टिक एंड साउंड को चेंजेस वगैरह करने हो आपको तो यहाँ पे वो फीचर भी मिल जाएगा, इसकी भी आप चाहे तो सेटिंग को कर सकते हैं।